दिया और मैं डीएचएस दिया कि अंगूठिया गाल चोरी दबान चलती जो यूं करो तो ट्रिपिंग हो जाए बात दे दियो और मैं डीएचएस दिया कि अंगूठिया गाल चोरी दबान चलती जो यूं करो तो ट्रिपिंग हो जाए बात दे दियो। सुना आपने जोधपुर के ओसियां से कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को बिजली चोरी करने की सलाह दे रही हैं? सलाह ही नहीं, दिव्या ने तो बिजली चोरी कैसे करें इसका तरीका भी समझा दिया। जनसंपर्क के दौरान दिव्या मदेरणा ओसिया विधानसभा इलाके में नई बनी पंचायत समराथल नगर में लोगों से बात कर रही थी। पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाने की याद दिला रही थी। जनता के लिए कितने विकास के काम किए शायद उसका भी एहसान जता रही थी। कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा अपनी जीत पक्की करने के लिए दिव्या मदेरणा कुछ भी सही गलत नहीं देख रही। बस जनता खुश रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए बिजली चोरी करने की छूट ही क्यों न देनी पड़ जाए। आप भी सुनिए दिव्या ने कैसे पहले अपने काम गिनवाए फिर अपने क्षेत्र की जनता को बिजली चुराने की सलाह दे डाली। और सर न्यारो बन रही है पंचायत की चार दीवारी ने 10 लाख रुपया दिया। मैं बीमार हो जाओ तो उप स्वास्थ्य केंद्र दियो पानी पीवन मीठे उठा गोटा नहीं दुखे भारी पानी हो मीठो पानी दियो ठीक है। और मैं जीएसएस दिया कि अंगूठिया गाल चोरी दबान चलती जो यूं करो तो ट्रिपिंग हो जाए बात दे दियो। वैसे जब प्रदेश में पेपर लीक हुए थे तो वो दिव्या ही थी जो सड़क से लेकर विधानसभा तक अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रही थी, ईमानदारी का ढोल बजा रही थी, अपनी सरकार के करप्ट मंत्रियों को निशाने पर ले रही थी। लेकिन अब दिव्या खुद ही लोगों को बिजली चुराने की सलाह दे रही हैं। इसकी वजह आप भी समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्रदेश में चुनाव आते ही विधायक और मंत्री वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, कुर्सी का मोह ही कुछ ऐसा होता है जो आसानी से नहीं छूटता। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।